तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब काफी हद तक अच्छे होंगे और जहां होंगे मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अगर आप भी एक स्टूडेंट है, अगर पढ़ाई करते हैं किसी कॉलेज में, तो आप क्या कॉलेज या स्कूल में, तो आपको अपार आईडी कार्ड बनाना एकदम अति आवश्यक है, जिसको अपार कार्ड को ABC कार्ड भी बोला जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या है हम बताते हैं। देखिए, जैसा एक आपके एक बैंक अकाउंट खुलाते हैं, उसमें पैसा जमा कराते हैं, जितने लेन देन होता है उसमें सब डिटेल उसमें अंकित रहता है। तो वैसे ही आपका पढ़ाई का जितना भी कोर्स है, जितना भी आप कोर्स किए हैं, उस सब कोर्स का एक कार्ड रहेगा, उसमें अंकित रहेगा। इस कार्ड से आपका कहीं आप जॉब लेने जाते हैं या अदर कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, तो उस कार्ड से जानकारी फेच कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे वन नेशन वन नेशन बन रहा है, उस तरह वो आपका पढ़ाई का एक कार्ड भी बन जाएगा। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं होगा। तो आप ये कार्ड कैसे इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह का कार्ड आप बना कर या प्रिंट करवा सकते हैं, इस वीडियो बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये कार्ड कैसे ऐसे बनाना है हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर पर आ जाना है, किसी फोन में या डेस्कटॉप में ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल इसमें टाइप करना है डीजी लॉकर। सिंपल इसमें डीजी लॉकर टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो सिंपल सा यहाँ पहला लिंक ओपन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा, अगर आप डीजी लॉकर पर कभी भी साइन इन नहीं किए हैं, तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पहले साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइन इन के बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा, सिंपल सा इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपल सा क्या करना है, इसमें आप पहले बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये सब फिलअप करना है, वरना आप पहले से कर लिए हैं तो सिंपल सा इसमें क्या करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। इसका प्रोसेस हम बाद में बताएंगे। तो सिंपल सा अगर नए हैं तो क्या करना है, सिंपल सा यहाँ अपना फुल नेम लिखना है इसमें। ठीक है, तो अपना फुल नेम इसमें लिख लेना है, जो स्टूडेंट का नाम है फुल नेम वो लिख लेना है। फुल नेम यहाँ लिखने के बाद सिंपल सा क्या करना है, यहाँ डेट और मंथ और ईयर यानी डेट ऑफ बर्थ इसमें सिलेक्ट करना है। जैसे अगर डेट आपको पहले डेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस डेट को है आपका जन्म वो डेट सिलेक्ट करना है, जिस मंथ में है वो मंथ सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, जो ईयर में है वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। ईयर सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सा क्या करना है, यहाँ मेल है फीमेल है जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। तो जेंडर सिलेक्ट करने के बाद एक मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए मोबाइल, एक कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसमें जो आधार में OTP आएगा वो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर आएगा। ठीक है, इसमें आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए हम मोबाइल में इसमें डाल देते हैं और एक ईमेल आईडी और एक 6 डिजिट का पिन बना लेना है। एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पर बना सकते हैं। मोबाइल नंबर का फर्स्ट का 6 डिजिट लगा सकते हैं, कुछ भी अपने मन से लगा सकते हैं 6 डिजिट का। ठीक है, तो ये सब फिलअप करने के बाद सिंपल सा सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपके ये नंबर पर OTP आएगा। OTP आने के बाद सिंपल सा क्या करना है, आधार नंबर डालकर क्या कर आधार नंबर डालिएगा, आधार नंबर पर OTP गिरेगा और उस OTP से लॉग इन कर लीजिएगा और आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा, जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करना है, ये सब प्रोसेस करने के बाद सिंपल सा क्या करना है, लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए यहाँ नीचे आइएगा, साइन इन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर डाले वो मोबाइल नंबर इसमें डाल देना है। ठीक है, पिन डालने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो सिंपल सा क्या करना है, इसमें जो आपके जो मोबाइल नंबर इसमें दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा वही OTP फिलअप कर लेना है। OTP फिलअप करने के बाद सिंपल सा यहाँ सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे OTP डालकर सबमिट कीजिएगा, कुछ इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ इस 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ देख सकते हैं सर्च डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिएगा तो सिंपल सा थोड़ा सा वेट करना है और इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ क्या करना है, यहाँ सर्च के ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ सर्च डॉक्यूमेंट, तो इसमें आपको टाइप करना है ABC। सिंपल सा ABC लिखना है, इतना ही लिखना है और थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद सिंपल सा यहाँ आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका फुल फॉर्म है। सिंपल सा क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, सिंपल सा इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपके जो आधार कार्ड से नाम फैच कर लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ फैच कर लिया जाएगा, जेंडर फैच कर लिया जाएगा। सिंपल सा इसमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या देना है,
आप अगर एडमिशन हुआ है तो रोल नंबर देना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहते हैं, इनरोलमेंट नंबर देना चाहते हैं, या न्यू एडमिशन हुआ तो न्यू एडमिशन करना चाहते हैं, या नॉन कुछ भी नहीं है आपके पास नॉन दे सकते हैं। वैसे हम क्या हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करके ओके करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे। ठीक है, चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद सिंपल से यहाँ एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिस ईयर में आपका एडमिशन हुआ है वो ईयर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट एट, आप किस कॉलेज से पढ़ाई करते हैं यहाँ कॉलेज सेलेक्ट करना है। इसे पर क्लिक कीजिएगा, आपका सारा इंडिया का जितना भी कॉलेज है सब यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी सब ओपन हो जाएगा। सिंपल सा इसमें अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए अपना अगर इसमें स्क्रॉल करके देखना है इसमें नहीं मिलता है इसमें से यहाँ सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो फिलअप कर देना है। तो चलिए हम बराबर अपना यूनिवर्सिटी ढूंढ लेते हैं। चलिए अपना कुल यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर लिए, सिंपल सा ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये सबमिट हो रहा है तो आपको क्या करना है थोड़ा सा प्रतीक्षा करना है। और यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स फेच सक्सेसफुली, यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट्स बन के रेडी हो चुका है। हम इसको देखने के लिए यहाँ देख लेते हैं अपर आई डी कार्ड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC कार्ड। ठीक है, इसमें से इस डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ PDF पर क्लिक कर देंगे और कुछ देर वेट करेंगे ऑटोमेटिक हमारा PDF ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार का यहाँ PDF ओपन हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल अपर आई डी नंबर है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, नाम है और यहाँ एक फ़ोटो है आधार कार्ड से जो फैच कर लिया है। तो ये आपको कार्ड देखने में अच्छा नहीं लगा है तो चलिए हम इस प्रकार का कार्ड हम आपको बनाकर दिखाते हैं। इस प्रकार का आप ये इसी कार्ड को इस प्रकार के में कैसे बना सकते हैं और कैसे प्रिंट करवा के घर मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेना है। ठीक है, अगर पिक्सल लैब अपने फ़ोन में है तो ओपन कर लेना है, नहीं है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं पिक्सल लैब ऐप और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद से पता ओपन कीजिएगा कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो क्या करना है, इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा तो सिंपल सा जो टेक्स्ट दिखेगा उस टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिएगा और इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक PNG ऐड करना है। PNG ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे इस प्लस आइकन पे और यहाँ फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हम इस तरह का PNG ले लिए, इस PNG का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PNG 1 करके मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके PNG 1 डाउनलोड करना है इस ये वाला PNG। ठीक है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड जाकर कर लीजिए। करने के बाद क्या करना है, ऐड करना है और यहाँ राइट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ आना है इस पर, इस ऑप्शन पर आना है, इस ऑप्शन पर और इसको नीचे स्क्रॉल करना है और रिलेटिव साइज पर यहाँ आना है और दोनों को क्या करना है हाई कर देना है। ठीक है, दोनों को हाई कर देना है और इस प्रकार क्या करना है राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्लिक हो जाने के बाद सिंपल सा क्या करना है, एक पासवर्ड साइज फोटो लेना है, जो वो अपर आई डी कार्ड पर फोटो है वो आपके आधार कार्ड से फैच किया जाता है। आपको मालूम है कि आधार कार्ड पर किसी का फोटो बेस्ट नहीं होता है, मनपसंद नहीं होता। ठीक है, तो आप एक फोटो ले लेना है एक पासवर्ड साइज, चलिए एक पासवर्ड साइज फोटो ले लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड साइज फोटो ऐड कर लिए हैं और ऐड करके क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको इसका साइज का हम छोटा कर लेंगे साइज को। ठीक है, इसमें आपको फिटिंग करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं इसमें फिटिंग हो गया, इसमें आपको क्या करना है, देखने के बाद सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ QR कोड लगाना है। यहाँ देखिए यहाँ QR कोड लगाना है, सिंपल सा उस अपर आई डी कार्ड पर जाइएगा जो आप डाउनलोड किए हैं। ठीक है, चलिए उस अपर आई डी कार्ड पर जो QR कोड है उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको क्रॉप कर दीजिएगा जितना में आपका QR कोड है। ठीक है, तो चलिए हम उसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं QR कोड का और क्या किए हैं क्रॉप भी कर लिए हैं तो उसको हम ऐड करेंगे। सिंपल सा चलिए ऐड करने के लिए प्लस पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ऐसा QR कोड हम क्या किए हैं क्रॉप किए हैं, तो यहाँ राइट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और इसका भी साइज हम इसमें फिट कर देंगे। यहाँ देखते हैं कुछ इस तरह से हम फिट कर लिए हैं साइज को। ठीक है, तो वैसे फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आपको क्या करना है, उस अपार आई डी पर आपका अपार आई डी नंबर लिखा होगा जो 12 डिजिट का है। ठीक है, तो उसको भी कॉपी कर लेना है। ठीक है, अपार आई डी कार्ड है उस पर वहाँ 12 डिजिट का है, को आपको कॉपी कर लेना है या कलम कॉपी पर लिख लेना है और इसमें यहाँ क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है टेक्स्ट ऑप्शन पर और यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है और एडिट पर क्लिक करना है और जो 12 डिजिट का अपर आई डी कार्ड है उसको लिख लेना है। तो हम डेमो पर्पस के लिए 12 डिजिट का कोई सा भी अंक लिख लेते हैं और 4-4 करके आपको क्या करना है, 4 डिजिट लिखने के बाद एक स्पेस देना है। ठीक है, 4-4 लिखने के बाद एक स्पेस देना है, फिर जो 4 अंक है उसको टाइप करना है और फिर क्या फिर स्पेस देना है, फिर जो लास्ट 12 डिजिट बचा है 4 डिजिट उसको लेना है, यानी 4-4 करके बीच में गैप देना है। यहाँ DM, ठीक है, तो आपको दे देना है और ओके पर क्लिक करना है, इसको नीचे लाना है
और इसका कलर क्या करना है, ब्लैक करना है। तो कलर ब्लैक करने के लिए डिस्क्रिप्शन पाएंगे, यहाँ देखते हैं कलर है, कलर इसका क्या करेंगे हम ब्लैक लेंगे, ब्लैक ले लिया और राइट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, राइट ऑप्शन पर। और इसका क्या करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे, यहाँ फोन पाएंगे और फोन के क्लिक करने के लिए एक टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट आपको क्या लेना है बताते हैं, टेक्स्ट आपको क्या नीचे स्क्रॉल करते जाना है और क्या करना है, ये आपको टेक्स्ट ये वाला लेना है, ठीक है, ये वाला लेना है रोबोटो रेगुलर, ये वाला टेक्स्ट लेकर ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या करना है, वो बी वाले स्टाइल पर जाना है और इस पर क्लिक कर देना है और आगे पर क्लिक करना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और नीचे आना है और यहाँ देख सकते हैं पोजीशन है, यहाँ रिलेटिव पोजीशन, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है, इस पर दो तीन बार टच करना है, ठीक है, ये आपका बीच में आ जाएगा, ठीक है, कार्ड के बीच में, और आइटम क्लिक करना है। फिर से आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है और एक और टेक्स्ट लेना है, एडिट पर क्लिक करना है और क्या करना है, अपना नाम लिखना है। तो नाम लिख लिए और ओके पर क्लिक करेंगे, इसको इधर लाएंगे टेक्स्ट को, इसको छोटा करेंगे और इसका भी कलर क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे, तो कलर पाएंगे और यहाँ ब्लैक कलर ले लेंगे और आइटम पर क्लिक करना है। फिर आएंगे इसका फॉन्ट में, फॉन्ट का इसका हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो फॉन्ट आपको क्या लेना है, ये लेना है, ये आपको फॉन्ट ले लेना है, क्रिएट ए राउंड रेगुलर, ठीक है, तो इसको ओके कर देना और इसका भी साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है इसके शेप में और इसमें इस तरह से फिट कर देना है, ठीक है, देखिए इस तरह से हम फिट कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे है डी ओ बी, तो डी ओ बी आपको लिखना है, बस क्या करना है, इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, ये वाला अपना आई डी नंबर है तो उसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसको इधर लाना है और इसको यहाँ एडिट का पर्सन पर क्लिक करके इसको हटाना है, अपना डी ओ बी लिखना है, ठीक है, ऑडियो भी ऐसा करके लिखने के बाद ओके करना है और इसमें फिटिंग कर देना है, ठीक है। चलिए इसमें हम फिटिंग कर देते हैं, यहाँ से कुछ फिटिंग कर दी है, उसके बाद जेंडर है, तो आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, जो नाम वाला टेक्स्ट है इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसको ले आना है जेंडर के पास और जो जेंडर है, मेल है मेल और फीमेल है तो फीमेल लिख देना है, ठीक है, जेंडर लिख दिए और ओके पर क्लिक करेंगे, इस तरह से जेंडर उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी नीचे, अब जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सिंपल सा जिस यूनिवर्सिटी में आपका से दाखिला है तो वो यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, ठीक है। तो चलिए जैसे हम एक टेक्स्ट को और लेते हैं, इसको टेक्स्ट को कॉपी करेंगे इसको और इसमें इधर लाएंगे, ठीक है, इधर ला गए, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। तो हम एक यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उसका नाम लिख देते हैं, सिंपल सा इसमें नीचे इसको फिट करेंगे, ठीक है, आपका पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, ठीक है, आपका काम पूरा खत्म हो गया। आपको क्या करना है, तो सिंपल सा ये सबको इधर लेयर पर क्लिक करना है, सबको लॉक कर देना है, ठीक है, ये इधर उधर ना हो, ठीक है, इसको सबको लॉक कर देना है। सबको लॉक करने के बाद सिंपल सा क्या करना है, आपको इस वाला ऑप्शन पर आना है, इस वाला ऑप्शन पर लेना है बैकग्राउंड, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड लेने के बाद सिंपल सा राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ सिंपल सा सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, सेव एज इमेज करना है। इमेज करने के बाद सिंपल सा डिफॉल्ट का ऑप्शन है तो इसको क्या करना है, अल्ट्रा कर देना है और इसको सेव कर देना है। चलिए हम सेव कर लेते हैं, यहाँ सेव हो चुका है, तो आपको क्या करना है, इसको आपका फ़ोन में सेव हो गया, इसको संभाल के रखना है। अगर इसको क्या करना चाहते हैं, इसको फिजिकल हाथ में लेना चाहते हैं तो वो क्या करना है, आपको जाना है साइबर कैफ के पास और ये आपको PNG उनके पास सेंड करना है और आपको कार्ड में जो आई डी कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, उस कार्ड में आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे घर पर रख सकते हैं, आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। अगर मोबाइल में नहीं रखना चाहते हैं, अगर मोबाइल नहीं है तो आप कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए यही जानकारी था, आपको जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली टॉपिक है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।